सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कक्षा कार्य तारीख और दिन लिख लेंगे। आज हम हमारा नया पाठ पढ़ेंगे, पाठ 8, सच की सीख। जीवन में सदा सच की राह पर चलना चाहिए। कभी भी सजा पाने के डर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखे बालक नरेंद्र किस राह पर चलता है। पाठ में हमें क्या बताया गया है कि हमें सदा ही सच बोलना चाहिए, हमेशा सदा ही सच की राह पे चलना चाहिए। देखे नरेंद्र हम किस राह पे चला। नरेंद्र नाथ एक बहुत ही मेधावी बालक था। मेधावी मतलब बहुत होशियार। कैसा बालक था? बहुत ही मेधावी बालक था। उसकी स्मरण शक्ति बहुत अद्भुत थी। केवल एक बार सुनने से ही उसे पाठ याद हो जाता था। विद्यालय में सभी छात्र नरेंद्र को बहुत पसंद करते थे। नरेंद्र की रुचि खेल कूद में भी बहुत थी। वह अपने मित्रों के साथ मिलकर नए नए खेल बनाता और खेलता था। नरेंद्र एक दिन शिक्षक के कक्षा में होने पर भी अपने मित्रों से बातचीत कर रहा था। वह उन्हें कहानी सुना रहा था कि तभी शिक्षक ने उन्हें बात करते हुए पकड़ लिया। शिक्षक ने नरेंद्र और उसके सहपाठी से कुछ प्रश्न पूछे, परंतु नरेंद्र के अलावा कोई भी उन प्रश्नों का उत्तर न दे सका, क्योंकि नरेंद्र शिक्षक की बात भी सुन रहा था और मित्रों से बात भी कर रहा था। जब शिक्षक ने अन्य छात्रों से पूछा कि बातचीत कौन कर रहा था, तभी सभी लड़कों ने नरेंद्र की तरफ इशारा किया। लेकिन शिक्षक को लड़के पर विश्वास नहीं हुआ। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र तुम बैठ जाओ, तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, बाकी सभी लड़के खड़े रहेंगे। शिक्षक की यह बात सुनकर भी नरेंद्र नहीं बैठा। नरेंद्र ने कहा, मुझे तो खड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि मैं ही तो बात कर रहा था। नरेंद्र की इस सच्चाई को देखकर अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए। नरेंद्र ने शिक्षक से माफी मांगी और अपनी गलती को न दोहराने का वचन दिया। बालक नरेंद्र नाथ ही आगे चलकर भारत के एक प्रसिद्ध संत स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बच्चों, हमने कहानी पढ़ी। नरेंद्र नाथ कैसे बालक था? मेधावी मतलब बहुत होशियार। उसकी स्मरण शक्ति कैसी थी? स्मरण शक्ति यानी याद रखने की शक्ति। उसकी स्मरण शक्ति कैसी थी? बहुत अद्भुत थी। अद्भुत यानी बहुत अनोखी। कैसी थी? बहुत अद्भुत थी। उसे केवल एक बार सुनने से ही क्या हो जाता था? पाठ याद हो जाता था। विद्यालय में सभी छात्र नरेंद्र को बहुत पसंद करते थे। नरेंद्र की रुचि मतलब उसका खेल कूद में भी बहुत रुचि थी। वह अपने मित्रों के साथ मिलकर क्या करता था? नए नए खेल बनाता था और खेलता था। जैसे आप सभी लोग कभी अगर टीचर क्लास में आ गए तब भी आप कैसे बात करते रहते हो, वैसे ही नरेंद्र भी अपने मित्रों के साथ में क्या कर रहा था? शिक्षक आने के बाद भी कक्षा में बातचीत कर रहा था। वो क्या कर रहा था अपने मित्रों के साथ? उन्हें कहानी सुना रहा था। क्या कर रहा था? उन्हें कहानी सुना रहा था।
जब वो बातचीत कर रहा था तभी शिक्षक ने क्या किया, उन्हें क्या किया, बातचीत करते हुए पकड़ लिया। क्या हुआ, बातचीत करते हुए पकड़ लिए। शिक्षक ने उसे और उनके सहपाठियों को कुछ प्रश्न पूछे। सहपाठी मतलब बाकी उनके दोस्त, नरेंद्र के बाकी दोस्त, कक्षा में पढ़ने वाले, साथ पढ़ने वाले, उनसे कुछ प्रश्न पूछे। परंतु नरेंद्र बात भी कर रहा था और शिक्षक के पढ़ाते वक्त ध्यान भी दे रहा था, इसीलिए उसने क्या किए, जब शिक्षक ने उनसे सारे कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे तो नरेंद्र ने सारे प्रश्नों के उत्तर सही सही दिए। तो शिक्षक ने ये तो नहीं देखे थे कि कौन बातचीत कर रहा था, पर जब ये सब लोग कर रहे थे इसलिए उन्होंने सबको खड़ा किया और सबसे प्रश्न पूछे, तो नरेंद्र के अलावा उन प्रश्नों का किसी ने भी उत्तर नहीं दे पाए। तो शिक्षक ने क्या किया, बाकी सब पार्टियों से प्रश्न पूछना शुरू किया, पर उन्होंने किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। तब उन्होंने सबसे पूछा कि बातचीत कौन कर रहा था, तो उन्होंने नरेंद्र की तरफ इशारा कर दिया। लेकिन शिक्षक को उन पर विश्वास हुआ क्या, नहीं। विश्वास यानी भरोसा, उनको भरोसा हुआ क्या, नहीं। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र तुम बैठ जाओ, तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। शिक्षक को लगा कि उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, इसलिए उनका ध्यान था, वो बातचीत नहीं कर रहे होंगे। परंतु नरेंद्र नहीं बैठे, नरेंद्र बैठे क्या, नहीं बैठा। उन्होंने कहा, मुझे तो खड़ा रहना ही चाहिए क्योंकि मैं ही तो बात कर रहा था। नरेंद्र ने बिना किसी डर के, बिना जैसे उन्हें पनिशमेंट हो जाएगी या उन्हें डांट मिलेंगी, इसका उन्होंने ख्याल नहीं किया, उन्होंने इसका ख्याल किया क्या, नहीं किया। और बेखौफी से उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे ही खड़ा होना चाहिए क्योंकि मैं ही बात कर रहा था। तो इस सच्चाई को देख के अध्यापक क्या हुए, बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न मतलब बहुत खुश हुए। अगर आप सच बोलते हो तो आपके टीचर, आपके अध्यापक, आपसे शिक्षक को क्या होती है, बहुत खुशी होती है कि उनके बच्चे सच बोलते हैं। हमेशा हमें क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। हमें पनिशमेंट के डर से या हमें डांट मिलेंगी इस डर से हमें झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। समझे बच्चों, आप भी हमेशा सच बोलना सीखो, हमेशा सच बोलना चाहिए। मम्मी पापा से हो या अपने अध्यापक से हो या बहन भाइयों से हो, किसी से भी, किसी भी चीज़ के बिना डरे आपको क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अगर गलती हो भी जाती है तो क्या करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी गलती की। पर झूठ पकड़ने के बाद में नहीं, बल्कि आप खुद सच बताओ और उस चीज़ की माफ़ी मांग लो, तो बड़े भी क्या हो जाते, आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आप पे अधिक विश्वास करने लगते हैं। तो शिक्षक की यह बात सुन के नरेंद्र ने उनसे माफ़ी मांगी और अपनी गलती ना दोहराना, मतलब दोबारा ना करना का वचन दिया, वचन यानी वादा किया। बालक नरेंद्रनाथ कौन थे, बालक नरेंद्रनाथ भारत के में के प्रसिद्ध यानी बहुत विख्यात मतलब बहुत महान संत स्वामी विवेकानंद बने। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, नरेंद्रनाथ। समझे बच्चों, यह कहानी की सीख क्या है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए।